45 लाख रुपए की चोरी की चीनी ट्रक सहित पकड़ी गई। एसपी खीरी के निर्देश अनुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पसगवा के अजबापुर चीनी मिल से एक ट्रक जिस पर फर्जी नंबर UP44T4902 लगाकर चीनी जो कि दीन बंधु दीनानाथ जिला गाजीपुर के लिए गीता रोड लाइन्स लखीमपुर खीरी से बिल्टी पर बुक था। जांच में उक्त नंबर फर्जी पाया गया जिसका असली मालिक अनंत श्रीवास्तव निवासी महमूदपुर सेमरी जनपद सुल्तानपुर होना पाया गया। दिनांक 28/12/18 को अजबापुर चीनी मिल से एक ट्रक जिसपे 500 बोरी चीनी लदी हुई थी उसको लेके निकले थे तीन लोग, और उस ट्रक पे जो ट्रक आना था चीनी लादने के लिए उस ट्रक पे उसका नंबर न होके रजिस्ट्रेशन नंबर न होके दूसरे ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि सुल्तानपुर की गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया था इन लोगों ने, और जिन लोगों को आना था वो वही लोग थे लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर उसका दूसरा था। तो ये लोग चीनी यहाँ से ले गए और इसको इसके बाद गोसाईगंज थाना फैजाबाद क्षेत्र में पड़ता है फैजाबाद ज़िले में, वहाँ पे चीनी को इन लोगों ने डिस्पोज कर दिया। इस सूचना पे थाना पसगवां पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसकी जांच के दौरान जो ट्रक यहाँ पे आनी थी चीनी लादने के लिए उसके मालिक, उसका मालिक का भाई और एक लोग ट्रक चालक, तीन लोग इसमें संलिप्त पाए गए। दो लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू जो तीसरा अभियुक्त है अभी भी फरार है, उसकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी? हाँ, सीसीटीवी में कैद हो गए थे। इन लोगों ने ट्रक का जो कलर है वो चेंज कर दिया है और सारी नंबर प्लेट रजिस्टर्ड नंबर भी फर्जी था, दूसरे ट्रक का था जो सुल्तानपुर का ट्रक है। उक्त दोनों अभियुक्त गढ़ों को पसगवा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।